Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. अबे इस्लामाबाद टेनिस क्लब में और हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर MCI NCDA आमिर शहजाद साहब। इस्लामाबाद में जितने भी स्पोर्ट्स के एरिना हैं उन तमाम को रेनोवेट किया गया है, बेहतरीन सर्विसेज वहाँ पे मौजूद हैं और यूथ के लिए बेसिकली जो आजकल घरों में बैठ गए उनके लिए बाहर एक हेल्दी एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मैं जानना चाहूंगा आमिर साहब से कि सर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं कि कहाँ कहाँ ये वर्क हो रहा है और मजीद कितने अरसे में बाकी जो स्पोर्ट्स एरिना है जहाँ पे काम जारी है वो कंप्लीट हो सके। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस तरह है जी कि हमारे चेयरमैन साहब आमिर अली अहमद साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हमजा शफकात साहब, इनका एक विजन था कि ये कोविड की जो एक पेंडेमिक थी और इस वजह से लोगों के अंदर एक खौफ और हरास फैल गया था और एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट बन चुकी थी और इसको एक ख़त्म करने के लिए एक आइडिया था कि जी फौरी तौर पे जो है वो स्पोर्ट्स को रिवाइवल किया जाए और जो यूथ है हमारी उसको एक्टिव किया जाए, मोबिलाइज़ किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने तमाम ग्राउंड्स की रिहैबिलिटेशन और रेनोवेशन स्टार्ट करवाई ऑल ओवर इन इस्लामाबाद और उसमें आलमोस्ट तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमने जनरेट की। इससे पहले तमाम किस्म के टूर्नामेंट्स हम करवा चुके हैं, टेबल टेनिस करवा चुके हैं, इसके अलावा हम लोग हॉकी के टूर्नामेंट्स करवा चुके हैं, फुटबॉल के करवा चुके हैं, अभी ये एक लॉन्ग टेनिस टूर्नामेंट भी हमने अरेंज करवाया जो कि यूथ को मोबिलाइज करने के लिए एक एक्टिविटी थी। इसमें ये एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है कि जो इस्लामाबाद है इसके अंदर हर किस्म की स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है और जो हमारी बाकी ग्राउंड्स की जो रिहैबिलिटेशन या रेनोवेशन रह गई है वो भी इन प्रोसेस है और होप्स हो कि इंशाल्लाह विद इन 2 or 3 मंथ्स जो है वो तमाम इस्लामाबाद के ग्राउंड्स जो हैं वो बिल्कुल रेनोवेट हो चुके होंगे। और क्या प्लान्स के हवाले से बता रहे थे आपके कोई रमज़ान में, क्योंकि सारे दिन इंसान रोज़ा में है तो रात में कोई एक्टिविटी जनरेट करनी चाहिए। हाँ जी, हमने एक प्लान किया है कि ये जो शहरी के दरमियान में अमूमन यूथ जो है वो गलियों में और मोहल्लों में वो कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई बैडमिंटन खेल रहा होता है, तो हमारा एक प्लान है कि हम उसको एक जो CDA और MCI के लेवल पर टूर्नामेंट्स अरेंज करवाएं और उसमें जो यूथ है उसको मोबिलाइज़ करें और उनको पार्टिसिपेट करवा के ताकि वो जो है एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जो है उनका माइंड रागब हो, ना कि किसी अनहेल्दी एक्टिविटी में वो जो इन्वॉल्व हों। Tennis tournament is being organized in Islamabad under the auspices of CDA and MCI and we are here at the tennis court in Islamabad. Hamare sath maujood hain tennis ke player, hum janna chahenge ki kaise yahan pe aaj aaye khelne ke liye. Assalam alaikum ji, ye bada acha tournament organized hua hai ji aur isme kafi sare players ne participate kiya hai and ye hai ki kafi acha healthy activity hai. Is initiative ke hawale se kya kehna? It's a very good initiative and we would like to see it to be promoting in future as well. Okay, we have a very good potential player for Pakistan. Muzammil Murtaza is going to represent Pakistan in the Davis Cup tennis tournament. Muzammil, kaisa lag raha hai aapko ye tennis tournament? Bilkul kafi acha, inhone initiative banaya, is tournament ko organize kar rahe hain, kafi acha lag raha hai aur especially mera club hai, home ground hai mera ye, to it was very nice to have you here. बहुत अच्छा लग रहा है कि अपकमिंग टैलेंट है, एक एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइज की गई है ऑन वीकेंड। लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, अब आजकल पाकिस्तान में PSL चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, लेकिन टेनिस उससे एक डिफरेंट स्पोर्ट्स है। एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा है कि काफ़ी कुछ लोगों ने, जैसे आप लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, कुछ बेहतर लग रहा है कि एटलीस्ट कोई टेनिस में भी कुछ एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हुई हैं। एक अच्छा आप लोगों ने स्टेप लिया, आई होप कि आप इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, डेविस कप आप खेलने जा रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट करें हम आपसे? बस बेस्ट। और किसके अगेंस्ट मैच है? लिथुएनिया। तो बाकी इंशाल्लाह वी हैव अ गुड चांस ऑन अवर ग्रास कोर्ट, सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। और ऑब्वियसली होम क्राउड। हाँ बिल्कुल, उसी का मुझे डर लग रहा है, बाकी तो कोई ऐसा सीन नहीं। चले मुजम्मिल, आपको बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, वी हैव विद अस इज अ फीमेल टेनिस स्टार सहर अलीम। सहर, वेलकम टू ATV। थैंक यू। सहर, टेनिस टूर्नामेंट आप खेलने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए ताकि प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और वो राइज अप करें और पाकिस्तान के लिए जीतें, पाकिस्तान में जीतें, बाहर भी जाके जीतें। And you're participating in under 18 and ladies. And what are the prospects? Of course, I'm gonna beat all the players and I'll be in finals, inshallah. Mehak Khokar, Pakistan ki Fed Cup number 3. अगर मैं rating की बात करूँ, rating पे लोग बहुत ध्यान देते हैं कि कहाँ stand करते हैं, player का caliber क्या है, तो number 3 अगर top 3 में कोई player आता है तो obviously कहीं ना कहीं stand करता है। सबसे पहले Mehak, आपको program ATV में welcome करते हैं। Assalamualaikum, thank you for having me. Right, और ये जो tournament organised हुआ है इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी?
कहूँगी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा मैचेस मिलते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, और आपको मैचेस की भी ज़रूरत होती है ताकि आपकी गेम रिफाइन हो सके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यू नो, क्योंकि इसी तरह आपकी गेम इम्प्रूव होती है, एंड आई थिंक लड़कों लड़कियों के लिए, जूनियर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। ऑब्वियसली आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेडी सिंगल। जी जी, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या देख रही है, कहाँ फिनिश करना है? आई मीन अभी तो मैं नंबर वन सीड हूँ इसमें, बट देखते हैं क्या होता है। तो कोई टफ टाइम देने वाला कोई ऐसा प्लेयर आपको नजर आ रहा है कि जो कोई सरप्राइज पैकेज हो? आई मीन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है टेनिस का, ये तो यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेनिस कि आपको कुछ नहीं पता होता। लेकिन आपकी प्रिपरेशंस जो हैं वो पूरी। जी, चलें, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं हसीब, हम उनको वेलकम करते हैं। जी हसीब, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सीडीए और एमसीआई ने इसको ऑर्गेनाइज किया, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है, और इस तरह के टूर्नामेंट्स और होने चाहिए। और मैंने तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना, आई एम ए न्यू प्लेयर, तो देखें क्या होता है। वी हैव विद अस इज मिस्टर नवीद, हम उनको वेलकम करेंगे कि आज छुट्टी वाले दिन स्पोर्ट्स में और वो भी टेनिस में तो क्या इंटरेस्ट है और क्यों यहाँ पर आए? जी सलाम अलैकुम। जी सलाम अलैकुम जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम मैनेजमेंट, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द बिगिनर प्लेयर एंड स्पेशली फॉर दोज प्लेयर हु वांट टू एक्सेल इन टेनिस, सो वी आर एंजॉयिंग हियर। आप किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने आए? हम तो मेन सिंगल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या होप्स हैं? होप फॉर द गुड, वी विल हैव अ गुड मैच इंशाल्लाह। इट्स अ ग्रेट एफर्ट फॉर द टेनिस लवर्स एंड स्पेशली ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज बिगनर प्लेयर्स, फॉर द पेरेंट्स, फॉर ऑल द यंग जनरेशन स्पेशली। ऐसे एक्टिविटीज़ बड़े कम मिलती हैं आपको इस्लामाबाद के अंदर, तो इट्स अ ग्रेट एफर्ट्स और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। वी हैव विद अस सैम शाह, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज वो इस एक्टिविटी में किस तरह हिस्सा लेने आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे बेटी है, मैं उसको लेकर आई हूँ, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम स्पोर्ट्स स्टार्ट करने लगे, लेकिन हमें अब फील हो रहा है कि हमें हर रोज़ करना चाहिए, और काफ़ी हेल्दी एक्टिविटी है बच्चों के लिए भी। कोरोना की वजह से काफ़ी बच्चों की जो एक एक्टिविटी थी वो चली गई है, अब जो उसको वापस लाने के लिए हमें फिर उतना ही टाइम लगेगा, तो हम अपने बच्चों को दोबारा से इस चीज़ में लाएं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको जो गेम्स हैं या उनकी हेल्थ और ब्रेन एक्टिविटी दोनों मतलब स्पोर्ट्स के साथ होनी चाहिए, तो हमारे बच्चों को वापस लाएं, खींच खींच ये लाएं। जो बच्चे अब यहाँ कंप्यूटर पर बैठ गए हैं, लैपटॉप पर बैठ गए हैं, उनकी एक्टिविटी आउटसाइड ख़त्म हो गई है, तो ये छोटे छोटे इवेंट होने चाहिए हर जगह, हर स्कूल्स में होने चाहिए। वी हैव विद अस इज कामरान खलीक, और ये सारी एक्टिविटी मैनेज कर रहे हैं। कामरान, सबसे पहले आप वेलकम करें। थैंक यू वेरी मच। कामरान, क्या कहना चाहेंगे ये सीडीए का और एमसीआई का जो इनिशिएटिव है उसके हवाले से? देखें जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरा ख्याल है कि इसका तसलसल जारी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस इनिशिएटिव की वजह से जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको मौका मिल रहा है लोकल कॉम्पटिशन खेलने का। बाज़ोकात बच्चों की और प्लेयर्स की, लोकल प्लेयर की एक्सेस नहीं होती इंटरनेशनल कॉम्पटिशन के लिए, नेशनल्स के लिए, तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसकी कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और उसको आप फर्दर जारी रखना चाहिए। अच्छा कामरान, ये टू डे इवेंट है, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेट करें? सर इसमें तकरीबन हमें 35 से 40 एंट्रीज रिसीव हुई हैं। आप कैसे पार्टिसिपेट करें, किस कैटेगरी में? मैं ओपन सिंगल्स में कर रहा हूँ, मेंस अबव 18 है आई गेस, तो उसी में बस पार्टिसिपेट करें। आई केम फ्रॉम हैदराबाद टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट, और स्पेशली फॉर दिस टूर्नामेंट। यस एग्जैक्टली, तो वहाँ से आए हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी देखें क्या बनता है। क्या होप्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस? बेसिकली टेनिस एंजॉय करनी है, तो मतलब आई डिड नॉट कम हियर टू विन, वो टैग लाइन है, तुम जीतो या हारो, हमें इस स्पोर्ट से प्यार है। एग्जैक्टली, पार्टिसिपेट करना है। एग्जैक्टली, हेल्दी एक्टिविटी, बेसिकली टेनिस एंजॉय करनी है और कुछ नहीं करना, अच्छी गेम मिले हार जीत होती रहती है। कोई फेवरेट प्लेयर है टेनिस का? राफा। क्या रिकॉर्ड अभी उन्होंने क्रिएट किया? 21st ग्रैंड स्लैम जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन में। या तो चलें, आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू, एंजॉय द स्पोर्ट्स। आज ऑर्गेनाइज किया गया डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स कल्चर की जानिब से किया गया, एक खसूसी हिदायत पे हमजा शफकार जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं,
उन्होंने हदायत जारी की हैं कि इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के शहरियों के लिए खेलों की सहूलतें हैं वो उनको ज़्यादा उजागर किया जाए और इस तरह के इवेंट जो उनसे हैं वो डेली की बुनियाद पर किए जाएँ ताकि लोगों में जो खेल के हवाले से शोर आए और सेहतमंद सरगर्मियाँ जो उनसे मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन है वो जारी रखेगी। जी मेहरबान, थैंक यू। फाइनल मैच शुरू होने वाला है और दो जो फाइनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा आसिम। हमज़ा, कैसी तैयारी है आपकी फ़ाइनल के लिए? बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत पहले से प्रिपेयर कर आए हैं। प्रिपेयर हुए हैं, हार्ड वर्क। यस। तो टफ ऑपोजिशन है, क्या है ओपोनेंट आपका? प्लेयर आगे बहुत अच्छा है, बहुत टफ है। कोशिश कैसा मैच एक्सपेक्ट करें? जीतने की कोशिश करेंगे मगर आगे अल्लाह पर छोड़ देंगे। थैंक यू। जाबर अली हमारे साथ दूसरे फाइनलिस्ट हैं। जाबर, कैसी तैयारी है मैच की? ठीक तैयारी है, बेहतर है। तो क्या इरादा, टाइटल जीतना है आपने? जी, पूरी कोशिश रहेगी। पूरी कोशिश जी, अपना बेस्ट करें। अपना बेस्ट करें, चलें, बेस्ट ऑफ लक। विनर्स हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा डायरेक्टर स्पोर्ट्स सीडीए एमसीआई आमिर शहजाद साहब, और साथ ही साथ मोर देन 40 प्लेयर्स ने शिरकत की और एक हेल्दी एक्टिविटी मैं कहूंगा कि सीडीए और एमसीआई की तरफ से कि इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स को दोबारा से लोगों के लिए फैसिलिटीज जो है अवेलेबल हो और तमाम स्पोर्टिंग फैसिलिटीज जो है उनको रेनोवेट किया गया ऑल ओवर इस्लामाबाद। अंडर 18 बॉयज रनर्स अप हैं हाजिक आसिम, वेल डन हाजिक, इधर सामने, थैंक यू। विनर है साकिब इब्राहिम, साकिब इब्राहिम, राइट। नेक्स्ट इज अंडर 18 गर्ल्स
And the runners-up is Zara Khan. Well done. Our winner of under 18 girls is Sahar Ali. Sahar, well played. Moving on to ladies single, runners up once again, Sahar Ali participated in two different categories, which is girls under 19 and ladies single. Runners up in ladies single, Sahar Ali. Well played. Ladies single ki winner hai Mehak Khokar. Mehak, well played and well done and congratulations. Now moving on to main category, which is men singles, and the runners up is Hamza Asim. Well played, Hamza, and congratulations. And last but not the least, winner of the men singles, Jaber Ali. Well played, Jaber, and congratulations. And on this note, we come to the end of our show. Director Amir Shahzad sahab se chahunga ki wo agar end pe kuch kehna chahe is tournament ke hawale se. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Ahmed sahab. Aur all participant isme hamare jo hai wo Subhan sahab ka bhi shukriya ji jinhone bada acha coordinate karwa diya. और जितने भी पार्टिसिपेंट और पेरेंट्स और जो अपना प्लेयर्स थे हमारे उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इसमें हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं चौधरी शहजाद साहब उनका बड़ा पार्टिसिपेशन रही और प्रैक्टिकली उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और CDA और MCI ये इन तमाम इदारों की कोलैबोरेशन से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया तो थैंक यू वेरी मच सर बहुत शुक्रिया कीप ऑन वाचिंग स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद फॉर लेटेस्ट न्यूज़ व्यूज़ एंड इंटरव्यूज़ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड